नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द सम ऑफ एम प्लस एनथ एंड एम माइनस एनथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस द एमथ टर्म। सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अगर ऐसा हो गया तो एम प्लस एनथ टर्म क्या बनेगी हमारे पास, ए एम प्लस एन, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। और m माइनस nth टर्म क्या बन जाएगी, a प्लस एम प्लस एम माइनस एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और किसके इक्वल दिखाना है, ट्वाइस द mth टर्म, a m मीन्स a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। इन दोनों का सम इसके डबल दिखाना, हमने इक्वल दिखाना इसके ट्वाइस के। सो a m प्लस एन एंड ए एम माइनस एन, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, प्लस ध्यान दीजिए इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया, तो ये दोनों m प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, दिस इज 2a प्लस 2m माइनस टू इंटू डी। सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन होने के बाद यहाँ पे बचेगा a प्लस यहाँ पे हुआ m माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, am है। सो m प्लस nth और m माइनस nth टर्म का जो सम है ट्वाइस ऑफ am, हैंस प्रूव, ये ही हमने प्रूव करना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, If the sum of three numbers in an AP is 24, sum of three numbers in an AP, AP में होने चाहिए वो, उनका sum 24 है and their product is 440, find the numbers. Solution, let numbers in AP are, हमने एक तो A हो गया, A plus D, उनका सम दिया हुआ है, तो एक a माइनस डी मान लीजिए, ताकि हम इनको सम करें तो d से d कैंसिल होके इजिली a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इनका सम a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस d, दैट इज इक्वल टू 24। यहाँ d से d कैंसिल होके 3a की वैल्यू हमारे पास होगी 24 एंड a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो नंबर्स क्या बन जाएंगे हमारे, नंबर्स आर 8 माइनस डी एंड देन 8 एंड 8 प्लस डी। अब इनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, 440 प्रोडक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 माइनस डी इंटू 8 इंटू 8 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। 8 से कैंसिल करेंगे 55 हो जाएगा, यस ये बन गया 64 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 55। डी स्क्वेयर इधर आके प्लस का हो जाएगा, डी स्क्वेयर ये इधर जाके माइनस का 9 एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब डिफरेंस जो हमारा होगा या तो प्लस का 3 होगा या फिर माइनस का 3। सो नंबर्स अगर हम d की वैल्यू प्लस का 3 लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, 8 एंड सॉरी कितना हो जाएगा 5, 8 एंड 11। एंड d की वैल्यू अगर माइनस 3 है तो क्या बन जाएगा, 8 प्लस 3 11, 8 एंड 5 हो जाएगा, नंबर यही रहेंगे हमारे पास। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
लेट द सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ एन ए पी बी एस वन एस टू एंड एस थ्री रिस्पेक्टिवली शो दैट एस थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू एस टू माइनस एस वन. सोल्यूशन देखें. लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, हमने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस हमने क्या ले लिया डी, सो सम ऑफ एन टर्म्स, देन हमारे पास एस एस वन हमारे पास क्या है सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा. एस टू जो है वो सम ऑफ टू एन टर्म्स है, टू एन अपॉन टू टू ए प्लस टू ए सेम ही रहेगा ये हमारे पास, दिस इज टू एन माइनस वन इंटू डी हो गया. एंड एस थ्री क्या होगा थ्री एन अपॉन टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी. हमने प्रूव करना है दिस दिस माइनस दिस उसका जो थ्री टाइम्स है दैट इज इक्वल टू एस थ्री, इसके इक्वल दिखाना है. हम क्या करें फिर एस टू माइनस एस वन निकाल लेते हैं. एस टू माइनस एस वन इसमें से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास देखिए इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं टू एन अपॉन टू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी माइनस एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इन दोनों में एन बाई टू क्या हो गया कॉमन हो गया, सो मैं एन बाई टू कॉमन ले लेता हूँ. यहाँ पे ये जो टू है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया हमारा फोर ए प्लस टू इंटू टू एन माइनस वन इंटू डी, ये बाहर हो गया माइनस ऑफ टू ए, ये भी माइनस हो जाएगा माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो गया. ठीक है ये बन गया हमारा एन बाई टू, फोर ए में से टू ए गया दिस इज टू ए. इन दोनों में क्या कॉमन हो गया डी कॉमन हो गया, डी कॉमन होने पर यहाँ पे वैल्यू होगी टू टू जा फोर एन माइनस टू एंड माइनस एन, बट माइनस माइनस हो गया प्लस वन इंटू डी हो गया. ये वैल्यू क्या बन गई एन अपॉन टू टू ए प्लस फोर एन माइनस एन दैट इज थ्री एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है एस टू माइनस एस वन इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें थ्री टाइम्स बताना है, सो थ्री इंटू एस टू माइनस एस वन क्या हो जाएगा थ्री एन अपॉन टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी. और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है दैट इज इक्वल टू एस थ्री, सो थ्री ऑफ एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू एस ऑफ थ्री. यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव. बहुत ही ईजी आसान सा क्वेश्चन था. चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.